हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी देखिए, सुबह के बज रहे हैं 11 और ये देखिए कितनी कड़क धूप निकली हुई है। और इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है क्योंकि गर्मियाँ होने ही लगी हैं। और मैं देखिए नहा करके आई हूँ, बाल बिल्कुल गीले हैं अभी और बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किए हैं क्योंकि बूंद बूंद करके जब पानी गिरता रहता है ना तो गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और सारा काम हो गया है, आज बहुत सारे कपड़े थे ना तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो मैंने बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं की, इसीलिए सोचा कि आप लोगों से बैठ करके बात कर ली जाए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हॉल में, उसके बाद सोचेंगे कि सब्जी में आज क्या क्या बनेगा। तो देखते हैं आज क्या बनाते हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, और धूप इतनी कड़क सुबह से निकल जाती है बहुत तेज़। और देखिए बेबी भी आ गई है, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोलो। कैसे हैं आप सब, जल्दी बोलो कैसे हैं आप सब। ये देखिए कैसे आ गई है बेबी, और इन्होंने भी नहा लिया है। ये देखो गुड़िया रानी। और बेबी बड़ी होती जा रही है ना धीरे धीरे। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ना तो बेबी हमारी बहुत छोटी थी, और 1 साल होने वाला है, 6-7-8 महीने होने वाले हैं लगभग ये चैनल जब से हमने स्टार्ट किया है। और देखिए मेरे को कितना बड़ा पिंपल यहाँ पर निकला हुआ है, गर्मियों में मेरे को बहुत निकलते हैं और यहाँ पर भी निकला, इतना दर्द होता है ना बहुत ज़्यादा। और ये देखिए बेबी बैठी है और गर्मियों के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया है इन लोगों ने। और क्या चल रहा है आप लोगों के इधर, कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इधर भोपाल में तो लॉकडाउन चल रहा है, 3 तारीख तक का है और आज हो गई है 30 तारीख, और देखते हैं कब तक चलता है, कैसे चलता है। और मतलब इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, देखिए ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी हो रही है। मतलब भगवान ने जो चीज़ हम लोगों को दी है, जो चीज़ हमें भगवान ने दी थी, उस चीज़ को तो हम लोगों ने व्यस्त कर दिया, और आज देखिए उसी चीज़ के लिए इंसान भटक रहा है। मतलब पहले देखो कभी भी हम लोग, मतलब इस चीज़ के लिए कभी भी लोगों को ऐसा नहीं लगा कि इस चीज़ के लिए हम मोहताज हैं, लेकिन आज देखिए जिस चीज़ से हम लोग जी रहे हैं, जो चीज़ भगवान ने हमें दी थी, लेकिन उस चीज़, मतलब वो वाली चीज़ मैं ये कहूँगी कि हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। और आज देखिए हम भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हम लोगों को वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे करके हम अपनी, मतलब जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो हमें विरासत में मिली हैं, जो हमें भगवान ने दी हैं, उन चीज़ों को बेस्ट करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे नए नए चीज़ों के ऊपर, नई नई मतलब सुख सुविधाओं के पीछे पीछे भागते भागते हमने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया है। देखिए ऐसा टाइम आ गया है कि आज हम लोग ऑक्सीजन के लिए मोहताज हैं, मतलब एक सांस भी, मतलब हम लोगों को ख़रीदने से भी नहीं मिल रही है। सोचिए, ये कहूँगी मैं कि मतलब इतना बुरा टाइम आ गया है कि इंसान को अपनी सांसें ख़रीदने से भी नहीं मिल रही हैं। तो जिस पैसे के पीछे, जिस चीज़ के पीछे हम लोग चल रहे थे या जिस चीज़ के पीछे आज तक हम लोग भागते रहे, वो भी आज हमारे किसी काम का नहीं है। तो क्या करें, बट टाइम ही ऐसा आ गया है। कभी कभी जब ऐसा सोचते हैं ना तो इतना इमोशनल महसूस होता है, मतलब, और पहले तो दूर दूर में ये केसेस देखने के लिए मिलते थे, बट आज हमारे करीब में ही, हमारे अड़ोस पड़ोस में ही, हमारे रिश्तेदारों में ही, हमारे अपनों में ही हमें ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। हमारे इधर भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और मेरी कॉलेज से भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, बट मैं ये कहूँगी कि भगवान ये बहुत जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म कर दे और सब लोग अपने आप को सेफ करके रखें, सैनिटाइज़र भी करें, मास्क भी लगाएं, सब कुछ करें, बट उसके साथ साथ अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। पता नहीं कल क्या होगा, आज मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ, अपना वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है इसके बाद मेरा कोई वीडियो आए ही ना, हो सकता है कि ये मेरा लास्ट वीडियो हो, कुछ भी हो सकता है, कल किसने देखा है पता नहीं।
मतलब ऐसा लगता है कि बस जो जो दिन निकलते जा रहे हैं, मतलब आज का दिन पूरा निकल गया, रात आ गई, तो मतलब आज की ज़िंदगी हमने जी ली, कल का पता नहीं है कि कल क्या होगा, बस यही टाइम इसी डर के साथ और यही सब कुछ चल रहा है। आप लोग भी यही सब कुछ देख रहे होंगे, हमारे इधर तो यही सब कुछ चल रहा है और लॉकडाउन बढ़ा दिया है, फिर भी मतलब शादी करने वाले लोग शादी कर रहे हैं, घूमने वाले लोग घूमने जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मतलब लॉकडाउन है फिर भी उस चीज़ की मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। पता नहीं जिस जो टेंशन है, जिसको टेंशन है उसको ही टेंशन है, बाकी सब लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं हम लोगों की सोच ही कैसी होती जा रही है। मतलब अगर ये लॉकडाउन लगा है तो हम सब लोगों को घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो ही जाओ और वैसे नहीं घूमना चाहिए, बट फिर भी लोग शादी कर रहे हैं और कहीं कहीं ऐसा है कि मतलब किसी के घर में पूरा परिवार ही कोरोना पॉजिटिव है। और भगवान, जो लोग इस तरीके से परेशान हैं और जिन लोगों के परिवार के कई कई सदस्य जो हैं कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं, और भगवान उन लोगों को जल्दी ठीक कर दे और इस महामारी से हम लोगों को जल्दी से जल्दी मतलब बाहर निकाल दे, और अपने बच्चों को, आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, सबको खुश रखिएगा। अगर कोई भी मतलब ऊंच नीच हो भी जाती है, फिर भी सब लोग खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी कब तक है, कब तक जिएंगे, तो जो भी टाइम हमें मिल रहा है उसको एक अच्छे तरीके से खुशी से ही निकालें, बस यही मैं कहूँगी। और मुझे तो पता है कभी कभी 10, 11, 12, 1 बजे तक नींद ही नहीं आती, ऐसा लगता है कि पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, और पता नहीं मेंटेलिटी कैसी हो गई है, मतलब सोचने के ऊपर ही मजबूर हो गए हैं हम लोग कि क्या हो रहा है पता नहीं। और जब मुझे बुरा लगता है ना, तो मैं तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोगों के कमेंट, आप लोगों का मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि मुझे लगता है कि हाँ अभी भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी तो बाकी है ज़िंदगी में। और चलिए, मैंने भी आप लोगों को इमोशनल कर दिया, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि आपकी फैमिली में आप सब लोग, अपने आस पड़ोस में सभी लोग बहुत खुश रहें, मिलजुल कर रहें, और पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये भी हमारी ज़िंदगी की एक हकीकत है कि पता नहीं कल क्या होगा। और कल से मुझे भी चेस्ट पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब रात को तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा, और मेरी आवाज़ भी आप लोग सुन पा रहे होंगे कि ठीक से नहीं आ रही है। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना तो बनता ही है, क्योंकि जब ज़्यादा वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ तो चैनल पे भी इतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, और हो सकता है कि मतलब भगवान ना करे कि कोई भी पॉजिटिव निकले और किसी से हम लोग लास्ट टाइम मिलें, लास्ट मोमेंट हो हमारी ज़िंदगी का। मतलब आज पता नहीं क्यों ऐसी बातें सोचने में आ रही हूँ, वैसे मैं ऐसी बातें करती नहीं हूँ आप लोगों से, बट फिर भी आज मैं ये बस सब बातें कर रही हूँ। तो बस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और हमारे अपनों को, हमारे करीबियों को, सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करें, पता नहीं कल हो ना हो। तो चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, बाय बाय।